अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। आप सभी दोस्तों का मेरी वीडियो में स्वागत है। आज मैं आपको सवा 6x4 का तहत बनाकर दिखाऊंगा फुल डिटेल के साथ। और मैं अगर इस लकड़ी के बारे में बात करूँ, कौन सी लकड़ी का है, ये हमारे पास लिप्टिस की लकड़ी का है और ये हमने एक गार्डन के लिए बनाया जहाँ पर ये खुले स्थान पर रहेगा, यानी कि पानी और धूप में। इसलिए मैंने इसके पाव में कोई खराद का कार्य नहीं कराया है, इसलिए चकोर रखे हैं, क्योंकि अगर खराद कराते हैं पाई की, उसमें पाई तिड़क जाते हैं धूप पानी लगकर, इसलिए हमने इसको चकोर रखे हैं। आइए शुरू करते हैं। ये हमारे पास लिप्टिस का लकड़ है, यानी कि जिसको हम नियम लिप्टिस बोलते हैं। और ये मेरे पास 4 पाई हैं, यानी कि 4 इंच को। और मैं अगर अपने फर्श की बात करूँ, जैसा कि आपने देखा इसकी जो लंबाई थी वो 7 फीट और चौड़ाई 4.5 फीट थी। और ये मैं जो अपने फ्रेम की चिराई कर रहा हूँ, ये मेरे पास जो 2 फाड़े यानी कि 2 बत्ते हैं तख्ते, ये मेरे पास लगभग 9 इंच चौड़ाई के हैं। इसमें मैंने 4.5 इंच में यानी कि 2 चिराई करी और ये मेरे पास 4 फ्रेम तैयार हो गए हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं। इसमें हम अपना 2 फ्रेम तैयार करेंगे लंबे वाले और 2 फ्रेम तैयार करेंगे नेडे वाले। ये इस प्रकार हमारा नक्शा बना हुआ, जैसे कि आपने देखा। मैं अपने फ्रेम की बात करूँ चारों साइड की, इसकी जो मोटाई है 1.5 इंच और चौड़ाई हैगी 4.5 इंच। ये हमारे पास 4 पाए हैं जो कि हम इन पर अपना रंधा मारकर इनको फ्रेश कर लेंगे। और हम जो इसकी साइज रखेंगे वो लगभग रंधा मारने के बाद हमारा जो बिल्कुल साइज तैयार रह जाएगा वो लगभग आपका 3.5 इंच रह जाएगा। इसी अनुसार हम अपना पाइप को गोनी में चेक कर लेंगे और चेक करने के बाद हम अपना इसका इंच टेप में साइज बनाएंगे, जैसा कि आप देख रहे हैं। ये हमारे पास दोनों सिरे 3.5 इंच तैयार हो गए और मैंने आपको एक पाया बिल्कुल फ्रेश तैयार कर दिखाया, जैसे कि आप देख रहे हैं। और इस अनुसार मैंने अपने 3.5 इंच के यानी कि पेमास बांध लिए खतखस से, जो हम एक तरह से गेज का निशान बोलते हैं। ये मैंने अपने 4 पाए तैयार कर लिए अपना प्लानर लगाकर। और इसी अनुसार हम अपने जो ऊपर के फ्रेम होंगे उनकी रंधाई करेंगे। मैं जो रंधाई कर रहा हूँ अपने प्लानर से रंधाई कर रहा हूँ, आप चाहे तो लकड़ी के पैनल से भी रंधाई कर सकते हैं या फिर गेज मशीन वगैरह की भी सहायता से कर सकते हैं। इस अनुसार हमने एक पेटा यानी कि एक हिस्सा इसका सीधा किया और जैसे कि मैंने आपको दिखाया बिल्कुल सीधा हो गया है। और हम जो अपने फ्रेम की यानी कि ऊंचाई चौड़ाई रखेंगे वो लगभग 4.25 इंच रखेंगे। और 4.25 इंच की रखने के बाद हम अपना इसकी चौड़ाई घटा देंगे। ये मैंने अपना रुकार का निशान दिया, जिससे कि हम जिसको हम खत बोलते हैं। और ये हमने अपना 3.5 इंच चकोर पाइप पर भी निशान लगा दिया, सेंटर कर दिया हमने। नीचे जो सिरा होता है हमारा, हमें उसको इशारा करना होता है। और हमने जो इसकी ऊंचाई रखी है बिना फ्रश के वो 23 इंच की रखी है। और अगर मैं टोटल ऊंचाई की बात करूँ, ये लगभग आपका 24 इंच ऊंचाई साइज रह जाएगा। ये मैंने अपने 4 पाई पर निशान लगा लिए, जैसे कि आप देख रहे हैं। इसमें जो ऊपर से टक्कर छोड़ी है वो लगभग 1.5 इंच की टक्कर छोड़ी है, जिससे कि हमारा जो पाई का सिरा होता है उसकी ताकत जैसे कि तैसी रहे और टस से मसना हो सके। ये मैंने अपने इसकी जो लंबाई रखी है यानी कि फ्रेम साइज की बाहर से बाहर, वो 6x मैंने अपना 45 इंच की यानी कि 72 इंची और 45 इंच की चौड़ाई रखी। और मैंने अपना खतखस लगाई इसी अनुसार अपने पाँव पर और फटियों पर। हम इसकी विदाई कर देंगे अपने पाँव की किसी न्यानी की सहायता से या गेज मशीन की सहायता, जैसे कि आपने देखा। मैं अपना देसी औजार से खुदाई कर रहा हूँ, मैंने 4 पाँव की खुदाई कर ली है अपने। और जो हमारे फ्रेम होते हैं हमने उनके खांचे भी दे दिए इसमें। और हमें जो नीचे के पाए होते हैं उनके यानी कि नीचे का जो हिस्सा होता है, ये मेरे पास जो पाई है ये चकोर पाई है, मैंने इसका टेपर कर दिया, जिससे कि आप अगर फर्श पर नीचे खींचेंगे उसमें आपकी कोर नहीं जड़ेगी। और ये हमने अपना खंचा दे दिया है अपना फ्रेम में। और हम अपना बहुत देर से आराम से इसमें आरी डालेंगे और हम एक बार चेक कर लेंगे
कि हमारा चूर बड़ा तो नहीं, यानी कि जो हमारा खांचा है वो पाए के अंदर जाएगा, उसकी लंबाई ज़्यादा तो नहीं, अगर ज़्यादा लंबाई उसमें आपकी मिलाई सही नहीं होगी, मिलाई सही नहीं होगी। और मैंने अपना फेविकोल लगा लिया चारों पंचों सिरों पर जैसा कि आपने देखा, और हम इसकी ठुकाई कर देंगे। ठुकाई करने के बाद हम इसमें सिकंजे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एक बार गुने से चेक कर लेंगे अपना। गुने चेक करने के बाद इसमें आप 1.5 इंची 12 नंबर की कील लगाएंगे, जैसे कि आपने देखा इसमें हम लगभग 3 कील लगाएंगे। इसी अनुसार आप पहले अपना लंबे वाला यानी कि 6 फुट साइड का फ्रेम तैयार करेंगे, जैसे कि मैंने आपको कर दिखाया। दोनों पीस हमारे तैयार हो गए, और अब हम अपना 45 इंच जो चौड़ाई है हमारी फ्रेम की उसकी ठुकाई करेंगे, उसी अनुसार फेविकोल लगाकर। अगर आप फेविकोल लगाते हैं इसमें आपकी डबल ताकत बन जाएगी, और अगर आप नहीं भी लगाते जब भी कोई बात नहीं, आपका काम चल जाएगा। मेरे हिसाब से आप इस पर फेविकोल लगाकर काम करना, फेविकोल लगाने से हमारा जोड़ मजबूत हो जाता है और उसकी लंबी लाइफ होती है। इस अनुसार मैंने अपना चेक किया और ये मेरे से उठना भी बहुत मुश्किल हो गया, मैंने इसमें एक आदमी सहारा लिया और जब मैंने ठुकाई करी और ये देखा आपने, मैंने इसकी ठुकाई कर दी। अब हम इसमें दो सपोर्ट डालेंगे, जो हमारी सपोर्ट होगी उसकी जो मैं अगर चौड़ाई की बात करूँ वो 3 इंच यानी कि खड़ी हैगी और 1.5 इंच मोटाई है। हमें अपने फ्रेम में खंचा देना होता है, यानी कि खंचा इसमें लगभग 1.5 इंच यानी कि गहराई का, यानी कि जो नीचे का हिस्सा होता है उसमें देंगे, और जो हमारी मोटाई फ्रेम होती है 1.5 इंच उसमें 1.25 इंच का खंचा देंगे। इसी अनुसार हम फ्रेम को लगा कर अपना ड्रिल मशीन से होल करेंगे। इसमें आप लगभग जो होल करेंगे इसमें आप 6 नंबर से होल करेंगे बिट से, और इसमें आप लगभग 3 इंची या 2.5 इंची की कील लगा देंगे, और इसमें आपकी बहुत बढ़िया सेटिंग बन जाएगी। वैसे अगर आप चाहते हो 4 इंच कील लगा कर भी इसमें आप सेटिंग कर सकते हैं, मगर खंचा देना इसके लिए बहुत बड़ी ताकत की बात होती है। हम इस अनुसार अपने सिरे की इसमें कटिंग करेंगे, चारों सिरे की हम जो सिरे की कटिंग करेंगे वो गोने से करेंगे, गोने दोनों साइड से लगाएंगे, और हम अपना फ्रश रखते हैं। फ्रश रखने के बाद हम चेक करेंगे एक बार से कि हमारे फ्रश की सेटिंग सही है। हमें अपना जो फ्रश हैगा उसकी दर्ज बनाने के लिए हमें शिकंजा बनाना होता है, जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने इसमें शिकंजा बनाया, हमारा तख्ता फंस गया इसके अंदर, और ये मैंने अपना प्लेनर से पहले इसको थोड़ा सही किया, सीधा किया जो टेढ़ा था, और फिर उसके बाद मैंने अपना लकड़ी प्लेनर लेकर उसको सीधा किया। जैसा कि आपने देखा ये मैंने आपको इसमें दर्ज मिलाकर दिखाई, हमारी दर्ज बिल्कुल सेम ही नहीं चाहिए, हमारे पूरे फ्रश की दर्ज बिल्कुल ओके मिल गई जैसा कि आप देख रहे हैं। हम सबसे पहले इसमें अपना 2 इंच की कील लगाएं एक सिरे पर नाप तोल कर, जो कि हमें इसकी टोटल लंबाई रखनी है अपने तख्त की 6.25 फीट यानी कि 75 इंच, और चौड़ाई की बात करूँ मैं आपको 48 इंच रखनी है, यानी कि इसी अनुसार आप इसमें चारों साइड जो हमारा फ्रश निकलेगा वो लगभग 1.5 इंच के आसपास निकलेगा। इसी अनुसार मैंने जो बीच की सपोर्ट है उस पर निशान दिया और हम अपना एक कील लगाएंगे। कील लगाने के बाद हम इसमें ज़्यादा कील का प्रयोग नहीं करेंगे, इसमें सिर्फ सिरों पर और 20 सेंटर में कहीं, क्योंकि आपको कील लगानी है, क्योंकि हमें अपने फ्रश को बिल्कुल प्लेनर से सही करना। ये मैंने अपने एक सुंबे की सहायता से यानी कि किसी बरीक लोहे की सहायता से कील को नीचे घुसा दिए हैं, जिससे कि हमें नीचे बिठा दिए हैं, हम उसको सुंबे की सहायता से नीचे बिठाते हैं, और मैंने अपना फ्रश चेक किया हमारा। मैं अगर आपसे एक फट्टे की बात करूँ इसमें लगभग 1/2 इंच ऊपर था, यानी कि उसकी जो फट्टे की मोटाई थी लगभग 1.5 इंच थी। ये मैंने अपना धीरे धीरे अड्डे रेसे के हिसाब से अपना प्लेनर से फ्रश को इकसार किया। आप अगर आपका फ्रश इसमें यानी कि जो ऊपर आपके इसमें बत्ते विषय में है वे ऊपर नीचे हैं, तो उसमें आप यानी कि 6.25 फुट के अर्ज की तरह परंदा नहीं चलें, जिस प्रकार मैं चला रहा हूँ पहले आपको एड्रेस में लेना है, इससे आपकी जो है ना जो रेसे की कटाई होगी वो बहुत आसान होगी। उसके बाद जब आपका फ्रश बिल्कुल इकसार हो जाएगा उसके बाद आप अपने सीधे रेसे में परंदा लगाएंगे यानी कि सफाई देने के लिए, और ये मैंने इसमें शुरुआती हिस्से में अपना प्लेनर से इकसार किया, जो कि मेरा लेवल बिल्कुल इकसार होता है और मैं अध्ययन में आ चुका हूँ, और हम अपना फाइनली तैयार कर रहे हैं बिल्कुल फर्स्ट क्लास तरीके से। ये मैं बिल्कुल मैंने इससे पहले इसको एक बार बिल्कुल इकसार किया, अब मैं इसकी फिनिशिंग कर रहा हूँ जैसा कि आप देख रहे हैं। अब मैंने इसकी स्पीड बढ़ा रखी है इसलिए आपको तेज़ी के साथ महसूस हो रहा होगा, मैं इसको बहुत ही धीरे से चला रहा हूँ, और आप अपना एक फूल झाड़ू ले लेंगे उसके साथ साथ चेक भी कर सकते हैं कि हमारा कहीं कोई इशारा है तो नहीं क्या। ये मैंने बिल्कुल आपको इशारा करके दिखाया, और अब हम अपने जो सिरे की कटिंग करेंगे लंबाई की हम फ्रेम से मिलाकर सीधे फीटे से निशान लगाएंगे और 1.5 इंच बढ़ा देंगे। हमने अपने कटर मशीन से अपना कटिंग की, ये हमारा जो ब्लेड निकला हुआ है लगभग 7 फुट निकला हुआ है इसमें, यानी कि आपके जो तख्ते हैं ये 1 इंच मोटे में 1 सूत रह जाता है, वो मैं आरे से कटिंग कर लेता हूँ।
और हम एक छोटी सी गोलाई करेंगे इसमें तगत में चारों कोनों पर, उससे फ़ायदा ही होगा। आप उठते बैठते चारों तरफ घूमते हैं उसमें आपको सिरे नहीं चुभेंगे और ये बहुत ही आरामदायक होगा आपके लिए, बहुत अच्छी बात रहेगी आप अगर सिरे गोल करें। अगर आप नहीं भी करते जब भी कोई दिक्कत नहीं है, मगर मेरे हिसाब से ये आपके लिए बहुत ही आरामदायक होगा उठने बैठने के लिए, ये आपके हाथ में चुभेगा नहीं। और हम एक रेगमार की सहायता से यानी कि इसे गोल कर देंगे और हम चारों साइड थोड़ा सा रंधा लगाना होता है, जो कोर होती है वो आपके हाथ में चुभेगी नहीं, और रंधा लगाने के बाद आप इसमें थोड़ा रेक मार के इसको फिनिशिंग देंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने रेक मार से इसकी फिनिशिंग कर दी है, ये बिल्कुल फर्स्ट क्लास हो गया है जैसे कि आपने देखा। अब हम क्या करेंगे, हम अपना आठ सरे की तान लेंगे जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। हमें सरे की तान लेकर हम थोड़ा सा टेपर करेंगे जिससे कि हमारा जो सरे होता है वो खड़ा होता है, उसमें आप टेपर करते हैं। और ये जो मैंने इसमें कील लगाई यानी कि इसमें निप लगाई है, ये हमारी जो निप हैगी ये 10 नंबर की हैगी यानी कि 2 इंच लंबी, इसमें आप 1.5 इंच लंबी 10 नंबर की यानी कि हम इसको डोलू कील बोलते हैं, ये मैंने इसमें तान लगा दी, इससे आपकी जो लचक है तगत की वो नहीं बनेगी और ये बिल्कुल मजबूत रहेगा। इस अनुसार दोस्तों मैंने आपको काम कर दिखाया ये जैसा कि आपने देखा। बहुत दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है। मैं अगर अपने तगत के कॉस्ट की बात करूँ, इसमें हमारा टोटल लगभग जो खर्चा आया वो 7000 रुपये का है, और अगर मैं लेबर चार्ज की बात करूँ इसमें आपका 2000 रुपये की लेबर आएगी। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद।